ओके, किसमें सामान है? वो तो लेंगे ही सामान। बैग लेके आओ। फोन आ गया। कितने बजे तक आ जाओगे आप? तो अभी आ जाओगे एक घंटे में। फिर क्यों? सूजी को भी ले जाओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सो गाइस, मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:30 हो चुके हैं, क्योंकि हस्बैंड जी तो चले गए हैं, वो कैंटीन गए हैं सामान लेने के लिए। छोटा मोटा सामान लेना है तो वो वहाँ गए हैं, और जल्दी में सुबह सुबह निकल चुके थे वो, क्योंकि 7 बजे उनका नंबर था, इसलिए 7 बजे से पहले निकल चुके थे। वहाँ लाइन लगानी पड़ती है। और चाय वगैरह मैंने पी लिया है। अंशु नहा धो के अंशु भी आ चुका है, तो अंशु अभी दिया जला लेगा। तो श्राद्ध चल रहे हैं। श्राद्ध में मंदिर में दिया नहीं जलाते, मंदिर के थोड़ा सा हट के नीचे दिया जलाते हैं हमारे में। तो अंशु दिया जलाएगा। अंशु दिया जला दो बेटा। हेलो, नहा धो के आ चुका है ये, तो ये दिया ही है चला देगा। और मैं इसके लिए बना देती हूँ दूध, और फिर करेंगे हम बाकी के काम। तो नाश्ता जो है थोड़ा सा लेट में भी हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा लेट में भी हो सकता है, क्योंकि हस्बैंड जी तो ब्रेड, उनको मैंने ब्रेड दे दिया था सेब के चाय के साथ, और मैंने भी 2 ब्रेड खा लिए थे। अंशु को भी मैं वही दे दूँगी। फिर देखते हैं, अगर हस्बैंड जी जल्दी आ जाएंगे तो नाश्ता बनाऊँगी मैं, वरना फिर अगर वो लेट में आएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि 10 से 11 बज सकते हैं आने में, तो फिर मैं डायरेक्ट खाना ही बनाऊंगी। घर पे ही है दोनों जने आज। अंशु की तो गैपिंग छुट्टी नहीं, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, ये सब चल रहा है। तो फटाफट से करते हैं काम, और सूरज भी निकल चुका है घर से। देखिए, खिड़की से सनलाइट सीधे किचन के अंदर आती है। तो फटाफट से करते हैं गाइस, बहुत सारे काम पड़े। अंशु को मैंने तवे पे जो है ब्रेड को घी से सेक लिया था, और फिर अंशु को दे दिया, क्योंकि आज सुबह हमने नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि उनको लेट हो रहा था इसलिए वो निकल चुके हैं, और मैं भी अपने कामों में लग चुकी हूँ। हमने भी वही ब्रेड खाया था। इसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। अंदर की सफाई मेरी हो चुकी है, तो आज मैं यहाँ के बाहर के कर रही हूँ, और यहाँ पे लगे हैं जाले, और मेरा हाथ पहुँच ही नहीं रहा था, तो मैं उछल कूद करके थोड़ा थोड़ा करके निकालने की कोशिश कर रही। वैसे तो अभी सफाई के दिन आने वाले हैं, मतलब त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है, तो सफाई फाई करनी पड़ेगी। बट अभी मेरी हल्की फुल्की चल रही है, जैसे मैं झाड़ू वाड़ू लगाते समय कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत जाले वाले लगे रहते तो निकाल दूँ। तो कुछ टाइम बाद श्राद्ध, अभी श्राद्ध चल रहे हैं ना, और आप लोगों का कमेंट आया था कि दिवाली की सफाई का ब्लॉग डालिए, तो अभी दिवाली में टाइम है। वैसे तो काफ़ी लोगों ने शुरू कर भी दिया है, मगर मैं हमेशा ना थोड़ा लेट में करती हूँ। कहने का मतलब है, जब श्राद्ध खत्म हो जाते हैं, जैसे नवरात्रि आती है ना, तो उस टाइम पे भी कर लेती हूँ, या फिर नवरात्रि के बाद करती हूँ। हल्की फुल्की सफाई तो चलती है वैसे, जैसे अब थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो चुका है, बिस्तर वगैरह सुखाने डालना, कपड़े वगैरह बेड से निकाल के वो धोना धाना, ये सारी चीज़ें तो मेरी चलने लग जाएंगी। बट जो सफाई होती है ना, मैं वो थोड़ा सा नवरात्रि के बाद या फिर नवरात्रि में ही शुरू करूँगी। इसी बीच में, इस बार नवरात्रि भी नहीं होगी ना हमारी, तो देखती हूँ इसी व्रत होगा नहीं, तो इसी बीच में मैं स्टार्ट करूँगी। क्योंकि ऐसा होता ना, फिर फिर ज़्यादा दिन अगर बच जाते हैं ना, तो फिर सफाई करने का मन करता है, मतलब फिर वैसे ही गंदा गंदा सा लगता है। त्यौहार आने के पहले कर लेंगे ना 1 महीने, तो फिर मज़ा नहीं आता है। फिर त्यौहार आने के टाइम पे ऐसा लगता है कि फिर वैसे ही हो गया,
इसलिए मैं थोड़ा सा रुक के करूँगी, बट छोटी मोटी सफाई तो वैसे चलती रहेगी। खैर, तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा जाले वाले निकाल लिया था, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा था वहाँ तक कर लिया मैंने, क्योंकि फिर ना वो उसमें थोड़ा सा पाइप वाइप लगा के लंबा हो तो सफाई करने के लिए अच्छा रहता है, तो हम बाद में करेंगे। अभी जितना हाथ जा रहा था उतना कर लिया था। इसके बाद यहाँ पे गमलों को हटा के मैंने यहाँ पे झाड़ू वाड़ू मार लिया था, और इसके बाद मैंने लगा लिया पोछा, तो यहाँ का झाड़ू पोछा हो चुका है। इसके बाद मैं चल रही हूँ नीचे, और यहाँ से ऐसा लग रहा ना सीढ़ी कितनी खतरनाक है, बिल्कुल खड़ी सीढ़ी, बट ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे मैं सीढ़ियों पे हमेशा पोछा मारती हूँ। इसके बाद चलते हैं अंदर रूम पे। तो इस रूम पे मैं आज झाड़ू पोछा करने वाली हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं यहाँ पे लगाती हूँ। तो यहाँ मैं चेक कर रही हूँ, थोड़ा बहुत बिस्तर है, इनको भी मुझे सुखाने डालना है, बट देखती हूँ मैं अभी कुछ दिनों में डालूँगी। और कुछ कपड़े मेरे सूट यहाँ पे हैं पुराने, तो वो भी मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। तो बहुत पुराने पुराने कपड़े हैं, और इसी में मैंने रखे हैं अपनी कुछ साड़ियाँ शादी के टाइम की। तो ये सूट जो भी मैं दिखा रही हूँ ये मैंने खुद सिले हैं अपने हाथ से, और ये साड़ी है मेरी शादी के टाइम पे। जैसे नई नई शादी होती है तो एक महीना जो है साड़ी वेयर करनी पड़ती है, तो उसी टाइम की ना साड़ी भी यहाँ पे रखे हैं, मैं भी दिखाऊंगी। साड़ी है, ब्लाउज है, ये पहले जमाने की साड़ियाँ, ये हैंडवर्क की साड़ियाँ नहीं चलती थी पहले, इसमें तो ये है साड़ी, और इसको भी मैंने ना दो तीन बार ही पहना शादी के बाद। ये हैंडवर्क की साड़ी, सॉरी हैंडवर्क की साड़ी है, जो कि भारी भी होती है, बट ज़्यादा भारी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कढ़ाई नहीं है, मुझे तो वैसे ही पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा कढ़ाई। तो ये मेरे ससुराल वालों की तरफ से आई थी शायद, हाँ ये वही है, शादी में आए थे ये, तो वही मैं रेखा को भी दिखा रही थी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैसी हो रखा था, मैंने ठीक ठाक कर दिया। और यहाँ पे रखा एक खजाना मम्मी का, तो ये जो संदूक है ये भी मेरी शादी का है, मम्मी को मैंने दिया था, मम्मी इसमें अपने कपड़े वगैरह रखती हैं। तो यहाँ का मैंने थोड़ा सा ठीक ठाक कर लिया था, एक दो चीज़ मुझे ढूंढना था वो भी ढूंढ लिया है, और चादर जो है धुली रखी थी इसीलिए मैंने इसको दोबारा बिछा के अच्छे से वो कर लिया है। अब करते हैं यहाँ का झाड़ू पोछा। तो जो मेरा जो मेरे कपड़े हैं ना पुराने, वो मतलब शादी से पहले जो मैंने अभी दिखाया था ब्लाउज, वो शादी से पहले का नाप का है। तो उस समय ना मैं बहुत पतली थी, तो मुझे ना अब वो देख के इतनी हंसी आती है उन कपड़ों को देख के, कि मैं उसमें कहाँ से फिट आऊँगी, मतलब मैं पतली थी बहुत ज़्यादा, तो अब वो देख के ना बहुत अजीब सा लगता है, तो वही मैं दिखा रही थी उसको। तो इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा लिया था। पोछा तो खैर यहाँ पे लगता ही रहता है, बट मैंने कहा चलो एक एक बार मैं भी वो कर लेती हूँ। फिर ऊपर आ गई थी, मैटेट लगा दी है मैंने सारे को। सो इस मॉर्निंग के बज चुके हैं 10, और नीचे भी मैं सफाई फाई करके आ चुकी हूँ। तो इतना काम मेरा 10 बजे तक कम्प्लीट हो चुका है। थोड़ी देर जो है हस्बैंड अभी भी आए नहीं हैं, और उनको आने में भी टाइम लगेगा, तो वो आएंगे वही 11:30 बजे तक घर में पहुँचेंगे वो। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी ना मैगी बना देती हूँ उनके लिए हल्का फुल्का। अंशु को भूख लग गई है, वैसे तो इस बिस्किट वगैरह भी खा रखे हैं, मगर फिर भी इसको मैगी खानी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मैगी बना लेती हूँ। और अंशु कर रहा है अभी पढ़ाई, आप पढ़ाई करना। अरे बाप रे दूध आ गया, तो ये तो ऐसे ही है ना दूध का उबाल। 11 बजे आज मैं बनाऊँगी राजमा चावल। तो राजमे की दाल मैंने इसमें भिगो के रख दी है, कल एक दिन पहले से भिगो के रखनी पड़ती है, मैं कल बनाने वाली थी फिर मैंने भिगो ही नहीं थी, तो भिगो के देखिए कितने बड़े दाने हो गए हैं। बाकी के काम कर लेती हूँ फिर बनाएंगे। सो ये सारा काम कंप्लीट हो ही चुका था मेरा, कुछ काम मैं सुबह निपटा चुकी थी और कुछ मैं अभी करके आ गई। अब मैं बना रही हूँ मैगी, सुबह नाश्ता नहीं बना था ना, इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, आज मैंने बनाया नहीं, मैंने कहा चलो हल्का फुल्का जो है मैगी वैगी बना लेते हैं, क्योंकि भूख लगी थी अंशु को, और इसके बाद मैं सीधा खाना बनाने में लग जाऊँगी। और हस्बैंड जी भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 टमाटर 2 प्याज कटिंग कर ली, और प्याज इतना जहरीला, मतलब आँखों में इतनी मिर्ची, मैं जब भी इस प्याज को काटती हूँ ना तो मतलब आँखों में मेरे दर्द होने लगता है, बिल्कुल आंसू आ जाते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही मिर्ची वाला प्याज था,
इसके बाद फिर इसको काट लिया है और मैंने साथ में निकाल लिया है कुकर में। सोचू ना इस जो मैंने क्या बोलते हैं इसको राजमा भिगो के रखा है ना, इसको सीटी लगा लूँगी, सीटी लगाने छोड़ दूँगी तो ये सीटी लग जाएगी, फिर बाद में छौका वौका लगा लेंगे, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया है। बट पहले मैं इसको वो कर लेती हूँ, प्याज टमाटर को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया था, थोड़ी देर छोड़ दिया है, अभी इसमें मसाले डालूंगी मैं। और ये है राजमा जो मैंने भिगो के रखे थे। इतना काम मेरे निपटाया था कि हस्बैंड जी भी आ चुके हैं कैंटीन से और ज़्यादा सामान कुछ था नहीं, तो उनके आने तक जो है बस मैगी मेरी बनने वाली है। तो मैं देखती हूँ क्या क्या सामान लेके आए हैं। तो ये थोड़े से सामान है, थोड़ा सा सामान मैं परसों लेके आई थी, मॉल गई थी, और थोड़ा सामान ये रहा। और ये है शैम्पू, पापा एक एक साबुन आपके पास था। ये कितने का पड़ा तुमको? 569 रुपए का दिखा रहा है। कितने का पड़ा? डिस्काउंट करके 400 कुछ रुपए का। मार्केट में इतना महंगा। मम्मा देखो मैंने तो इस बार तो हस्बैंड जी वो सामान लेके आ गए जो कि मुझे मैंने मंगाया भी नहीं था। तो सामानों को मैंने लगा दिया है। और ये है बाउल जो कि मैं परसों मॉल गई थी ना वहाँ से लेके आई थी, तो ये 4 पीस मुझे 200 के पड़े और ये काफ़ी बड़े हैं, साइज़ में ना बहुत बड़े हैं। तो मैंने इसे मैगी वैगी के लिए रखा था, मैगी वैगी खाने के लिए बड़े बड़े बाउल सही होते हैं ना। तो यहाँ पे मैगी बन चुकी है और मैंने प्लेट पे लगा ली है। तो सबसे पहले मैगी खा लेती हूँ क्योंकि भूख के मारे ना हालत ख़राब हो गई है। सुबह नाश्ता करने की आदत है ना इसलिए, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कमी होता है। वैसे मैं हमेशा बनाती हूँ बट आज ऐसा हो गया था कि मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा चलो एक दिन ऐसा भी सही। तो मैगी बड़ी टेस्टी लगी थी क्योंकि भूख के मारे ना सब कुछ अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। मैगी वैगी खाने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ दोबारा, किचन को हल्का फुल्का साफ कर लेते, थोड़ा सा गंदा हो गया था। इसके बाद जो बाउल थी इनको मैंने धो लिया था, इनको मैं अच्छे से वाइप करके इनको जगह पे इनको लगा लूँगी और इसके बाद फिर अपने बाकी के काम में लग जाएंगे। तो ये है राजमा, इसको सीटी लगाने के लिए रख दूँगी। और इस बार ना हस्बैंड जी कैंटीन से मेरे लिए लेके आए हैं अनियन, मामा अर्थ का अनियन कंडीशनर नहीं आता है वो लेके आए हैं। और शैम्पू में लेके आए हिमालय का शैम्पू लेके आए हैं, मतलब दोनों चीज़ अलग अलग। और उनने मुझसे ना पूछा भी नहीं, तो मार्केट में इतना महंगा इसका पूरा मिल रहा था, मामा अर्थ का अनियन वो ऑयल हो गया, शैम्पू कंडीशनर बहुत महंगा मिल रहा था, इसलिए मैंने बीच में लिया नहीं। बट इन मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो ये अपने मन से लेके आ गए हैं। बट कंडीशनर तो मामा अर्थ का लेके आए हैं और शैम्पू हिमालय का लेके आए हैं, दोनों अलग अलग चीज़। और शैम्पू 2 लेके आए हैं, इससे बढ़िया तो मैं दोनों मतलब अलग अलग चीज़ हो जाएगी ना, फिर कंडीशनर उसका शैम्पू उसका। बट ये अपने मन से ही लेके आ गए। इसके बाद फिर मैं अपनी तैयारी में लग चुकी हूँ। मैंने जीरा डाल दिया है और 30 पत्ता डाल दिया है, जो मैंने लहसुन थे ना उसको मैंने तड़का लगा लिया, और जो प्याज और टमाटर होते हैं उसको मैंने मिक्सी कर लिया था। मिक्सी करने से क्या होता है ना इसकी ग्रेवी अच्छी बनती है। और प्याज टमाटर है ना इसको मैंने थोड़ी देर तक अच्छे से भून लिया था, वरना फिर इसमें से ना स्मेल जैसी आने लगती है, इसलिए अच्छे से इसको लाल कर लिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे मसाले ऐड कर दिए हैं और मसालों को भी फिर जो है मैं थोड़ी देर तक ना पकने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छे से पकाना पड़ता है जब भी हम इसको ना मिक्सी करते हैं क्योंकि कच्चा रहता है ना। और फिर अच्छे से मसालों को पकाने के बाद मैंने राजमा डाल दिया, हम 3 जने हैं उसके अकॉर्डिंग में मैंने बनाया है। और इसके बाद फिर मैं दूसरे प्रोसेस में लग चुकी हूँ चावल बनाने के लिए। तो चावल में मैं बना रही जीरा राइस, तो मैंने चावल को अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने ऑयल डाल दिया था, 30 पत्ता डाल दिया है, और इसके बाद फिर मैंने जीरा डाल दिया। देखिए जीरा जब अच्छे से हो गया है तो इसके बाद हम जो चावल है उसको डालेंगे, तो खाने में ना बहुत अच्छा लगता है राजमा के साथ जीरा राइस चावल। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर तक, और इसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हल्का सा नमक, हल्की सी हल्दी। हल्दी से कलर बहुत ही प्यारा लगता है और नमक से चावल खिली खिली से बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। अच्छे से भुनने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे बिल्कुल नाप के, क्योंकि पानी ना बराबर रखना पड़ेगा ताकि गीले ना हो जाए, फिर खाने में अच्छे नहीं लगते। वैसे भी मुझे गीले चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर यहाँ पे जो है 2 सीटी के बाद मेरे यहाँ पे खिले खिले से चावल बनके तैयार हो चुके हैं। तो ये ना नॉर्मल चावल हैं, जैसे
बहुत ज़्यादा पतले नहीं हैं, तो दिखने में इतने अच्छे लग रहे हैं, अच्छे से बने हुए हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे ना, अगर मोटे चावल भी हो या बहुत ज़्यादा बारीक ना हो। तो ये हमारे घर के चावल हैं, और फिर इसके बाद मैं इस चावल को वो कर लूँगी, जब हम सीटी लगाते हैं तो जीरा ऊपर आ जाता है, तो एक बार मैंने अच्छे से इसको घुमा लिया है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद फिर लगा लेते हैं खाना सभी के लिए। और आज जो मैंने राजमा चावल बनाया था, सबको इतना पसंद आया, एसमन जी को भी पसंद आया और अंशु को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और फिर मैंने थोड़ा सा रेखा को भी खिलाया कि मेरे हाथ के तो राजमा चावल खा के देख, तो उसको भी पसंद आया। तो यहाँ पे थाली मैंने लगा ली है, सैलेड में खीरा था नहीं तो मैंने यहाँ पे प्याज काट लिया है, तो सूखी सब्जी है। तो गाइस खाना ना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। खाना ना खाने के बाद फिर हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे सफाई कर ली है, झाड़ू पोछा बर्तन धोना धोना सारा काम कम्प्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।